यू फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है छोटी दिवाली, आप सभी को छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और मैं हो गई हूँ तैयार सुबह के जल्दी जल्दी घर के सारे काम करके, क्योंकि अभी करवाने जाना है मुझे गुड्डू को शॉपिंग। और त्यौहार का टाइम, इतने सारे काम और उसके बीच में शॉपिंग। गुड्डू भी तैयार हो गई है, और पहले करी नहीं थी इसकी शॉपिंग, क्योंकि वही था कि बच्चे आजकल सब अपनी पसंद से लेते हैं, तो इसको शॉपिंग करा के लेकर आऊँगी। और मैंने रात को मेहंदी लगाई थी एक हाथ में मैं लगाऊंगी आज। गुड्डू हाय कर दो, हैप्पी छोटी दिवाली। हैप्पी छोटी दिवाली। चलो तो अब जा रही हूँ गुड्डू को शॉपिंग कराने जल्दी से, और फिर आके बहुत सारे काम है आज, तो कुछ ज़्यादा ही काम है। चलिए चलते हैं जल्दी से। त्यौहार पर शॉपिंग करने के लिए घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो मुझे ऐसे रहता है एक तो घर के इतने सारे काम हैं और वो सब छोड़कर और शॉपिंग करने जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पर फिर ये था कि गुड्डू को मुझे स्पेशली शॉपिंग करवानी थी, क्योंकि दिवाली के बाद वो ज़्यादा नहीं रुकेगी, उसकी एक दो दिन की छुट्टियाँ हैं, तो फिर उनका बाद में टाइम नहीं मिलेगा, अभी मैं करवा देती हूँ। और वैसे भी जो लहंगा मैंने लिया था ना, वो उसको थोड़ा सा कम पसंद आ रहा है, जो मैंने दिवाली के लिए उसके लिए लिया था। तो फिर मैंने कहा चल तू देखा, जो तुझे पसंद आए वो ले ले, कोई कुर्ती ले ले दिवाली पर पहनने के लिए, क्योंकि इसी तरह के कपड़े जो है दिवाली पे अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने कहा चल तुझे लेकर चलती हूँ। और यहाँ पे जो है विंटर कलेक्शन काफ़ी अच्छा आ गया था इसी रिलायंस स्टोर पे, मैं पहले भी आप लोगों को लेकर आई थी, और अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई ना, तो विंटर कलेक्शन काफ़ी अच्छा आ गया था। और बुलबुल यहाँ पे गुस्सा हो रही थी, क्योंकि मैं जो है गुड्डू को शॉपिंग करवा रही थी, उसे लगा था कि उसके लिए खूब सारी ढेर सारी शॉपिंग होगी, पर वही है ना कि बुलबुल को तो दिलाते ही रहते हैं, बुलबुल यहीं रहती है, गुड्डू के लिए शॉपिंग कम हो पाती है। तो मैं तो आई थी स्पेशली गुड्डू के लिए शॉपिंग करवाने के लिए, और गुड्डू ने तो कुछ भी नहीं लिया, उसने तो सिर्फ एक कुर्ती ली अपने लिए, और बुलबुल को ये भी लेना था वो भी लेना था। वही है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो समझदार हो जाते हैं, छोटे बच्चे तो जिद करते ही हैं। तो बुलबुल जो है पूरा टाइम जो है उसने मुंह फुला रखा था, अभी भी वो गुस्सा हो रही है। और गुड्डू को मैंने कहा था कि तू ले काफ़ी सारी चीज़ें, पर उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं मम्मी बस बहुत है एक ही मैं कुर्ती लूँगी, मैं बाकी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा तो मन था कि उसको जो है मैं एक दो विंटर वियर दिला दूँ, पर उसने कहा कि नहीं। फिर घर आई तो फिर पतिदेव ने भी मेरे को कहा कि इसको जो है दो चार जोड़ी कपड़े दिला देती, पर मुझे ऐसे था कि आज त्यौहार है थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, एक दिन फिर से ले आऊँगी मैं इसको। तो फिर जो है हम लोग आ गए थे यहाँ पे दूसरी शॉप पे, क्योंकि बुलबुल को ऐसे था कि गुड्डू दीदी के लिए तो आपने लहंगा ले लिया है, मुझे भी नई ड्रेस दिलाओ। बच्चों का यही रहता है कि अगर एक को दिला दो ना, तो फिर दूसरे को भी उसको चाहिए ही होता है, चाहे उसके पास कितने भी कपड़े रखे हों। बुलबुल के पास कपड़े रखे थे, मुझे था कि जो लहंगे उसके पास रखे ना वही पहन लेगी, पर उसने कहा कि नहीं उसे नया ही चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं उसके लिए देख रही थी, पर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, क्योंकि बुलबुल अभी इस एज में है कि अगर छोटे बच्चों के कपड़े तो उसको छोटे रह जाते हैं, और बड़े बच्चों के अगर बड़े कपड़े लेती हूँ तो वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बाकी कुछ भी पसंद नहीं आया। तो फिर हमने सोचा छोड़ो शॉपिंग को, मारो गोली और गोलगप्पे इंजॉय करते हैं। तो रास्ते में हमें दिख गया गोलगप्पे का ठेला, मैंने गुड्डू से पूछा गोलगप्पे खाएगी, तो उसने कहा हाँ। तो फिर हमने गोलगप्पे इंजॉय किए, और उसके बाद जो है यहाँ पे जगह जगह पे ना मार्केट में स्टॉल लगी हुई थी, क्योंकि त्यौहार है ना, तो खूब ज़्यादा जो है स्टॉल लगी हुई थी, और इतनी ज़्यादा मार्केट में भीड़ थी। मैं तो ना पहली बार ही आई हूँ इस तरह से दिवाली के आसपास, मतलब ऐसे मार्केट में निकली हूँ, मैं तो कभी निकलती नहीं हूँ बाहर, मैं इतने साल हो गए मतलब शादी को, मैंने कभी देखा ही नहीं कि मार्केट में कितनी भीड़ होती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि जो कुछ भी लाना होता था ना वो पति देव ही ले आते हैं। पर आज बच्चों ने जिद करी, बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मी पैदल चलेंगे, मतलब आते वक्त तो हम ऑटो में आए थे, और जाते वक्त बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मी पैदल ही चलते हैं, पूरा मार्केट घूमते घूमते देखते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ क्या मिल रहा है। मतलब गुड्डू का बड़ा मन था कि मम्मी जो है इंजॉय करेंगे चलो आज, और देखते हैं कि त्यौहारों पर किस तरह का माहौल रहता है। और वाकई में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि सब लोग घरों से निकल गए त्यौहारों पर शॉपिंग करने के लिए, और काफ़ी जगह जो है सेल भी लगी हुई
थी चप्पल की, कपड़ों की, और यहाँ पे मैं रुक गई थी चूड़ियाँ देखने के लिए खुद के लिए, क्योंकि कल जो मुझे साड़ी पहननी है ना दिवाली के लिए, उसके मैचिंग की मेरे पास चूड़ियाँ नहीं थी, क्योंकि जो कल मैं कलर पहनने वाली हूँ ना वो कलर मैंने पहली बार ही लिया है। मैं तो मोस्टली वरना रेड पिंक येलो इसी तरह के कलर लेती हूँ, पर इस बार मैंने दिवाली के लिए थोड़ा सा डिफरेंट कलर लिया है, तो वो चूड़ियाँ मेरे पास थी नहीं, तो फिर मैंने चूड़ियाँ भी ले ली और आ गए हैं शॉपिंग करके घर पे। शॉपिंग आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे और बनाना है और थोड़ा सा प्रसाद बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिवाली से होली से पहले दिन जो है ना धोख लगती है, गुड़ के चावल बनाते हैं, नेत बाबा की धोख लगती है, तो वो अभी मेरे को उसकी तैयारी करनी है। तो बस घर आई, मैंने थोड़ी सी देर रेस्ट किया, अपना एक व्लॉग एडिट किया, और उसके बाद अभी टाइम हो गया शाम के करीबन 4:30 बज गया, और मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए चावल के लिए पानी, तो गुड़ के चावल बनाऊंगी और धूप लगाने जाएगी गुड्डू। मैं तो नहीं जाऊँगी क्योंकि अब मुझे शाम को बहुत ज़्यादा काम है, और वैसे भी मेरा जो है काफ़ी सारा टाइम जो है आज शॉपिंग में ही चला गया, तो यहाँ पे मैंने गुड़ के चावल चढ़ा दिए और गुड्डू चली जाएगी धूप लगाने के, मतलब उसके ताऊ जी के घर से और उसके भाई जाएंगे तो उनके साथ गुड्डू चली जाएगी। तो इधर चावल चढ़ा दिए और यहाँ आ गए हैं मिट्टी के दीपक। तो दिवाली पे हर साल ही जो है ना मिट्टी के दीपक ज़रूर खरीदते हैं, मतलब बाकी चाहे और जो दिए होते हैं प्लास्टिक के या फिर जो भी डिज़ाइनर होते हैं वो चाहे खरीदो चाहे ना खरीदो, पर मिट्टी के दीपक हर साल ही खरीदते हैं। मतलब या तो जैसे 21 ले लेते हैं, 31 या 51 इस तरह से लेते हैं, मतलब पूरे दिए नहीं लेते, जैसे 30 50 इस तरह से नहीं लेते, इस तरह से लेते हैं, मतलब 51 31। तो पतिदेव ने खूब सारे मिट्टी के दिए भेज दिए हैं और यहाँ पे बच्चों को लगा दिया है मैंने काम पे कि तुम लोग जो है ना रुई की बत्तियां बना लो और इस तरह के छोटे छोटे काम जो है त्यौहार पे बच्चों से करवा लो, क्योंकि वो बैठ के दोनों जो है टीवी ही देख रही थी, मूवी ही देख रही थी, तो फिर मैंने कहा चलिए ये कर लो। और इधर मैं करने लगी हूँ अब सांझ की तैयारी, तो जो दीपक आए ना मिट्टी के उनको मैं भिगो कर रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि जो है ये तेल कम सोखे, अगर इनको थोड़ा सा गीला कर दो ना तो तेल ये कम सोखते हैं। और बस इनको सुखा दिया है, घंटे भर में ये सूख के तैयार हो जाएंगे। तो आज छोटी दिवाली है, आज भी 11 या 21 दिए जो है जलाए जाते हैं। और हाँ, मैंने जो है शाम को फिर कपड़े भी चेंज कर लिए थे, मैंने साड़ी चेंज कर ली थी। पहले तो मुझे लगा था कि साड़ी पहन के ही मैं सारा काम कर लूँगी, पर उस साड़ी के ब्लाउज़ की जो स्लीव्स थी ना वो अटक रही थी, मतलब उससे काम नहीं हो रहा था, मैं अनकंफर्टेबल सी थी उसमें, तो मैंने जो है अपना सूट पहन लिया। और फिर अभी अब टाइम हो गया शाम का और अभी मैं करने लगी हूँ दिया। तो आज जो है 11 दीपक जलाते हैं और बस वही जैसे मैंने धनतेरस पे पूजा की थी ना, प्लेट में स्वास्तिक बना लिया, सारे दीपक रख लिए हैं और दीपक की जो है पूजा कर ली है, रोली मोली चावल चढ़ा के दीपक को जो है जिमा दिया है, मतलब कोई भी प्रसाद या तो बना लो या फिर जो है मार्केट से ले आते हैं, तो काजू कतली मंगा ली थी उससे जो है दीपक को और मतलब पूज लिया है, और उसके बाद जो है अब सारे रूम में जो है और दीपक रख देंगे। और इस तरह से होती है हमारे यहाँ पे छोटी दिवाली की पूजा। तो और आप लोग किस तरीके से करते हो मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, कल तो मौसम बहुत ही ख़राब था, मुझे कल ऐसे डर था कि कल वाला मौसम अगर आज रहेगा तो दीपक कैसे जलेंगे, या दिवाली वाले दिन अगर ऐसा मौसम रहेगा तो दीपक कैसे जलाएंगे, क्योंकि कल तो बड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, पर आज मौसम बिल्कुल नॉर्मल था तो दिए बिल्कुल अच्छे से जल रहे थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो बस जी रोशनी हो गई है, मतलब गेट के बाहर भी दो दिए लगा दिए हैं, मेन गेट जो है वहाँ पर भी, और अंदर भी सारे जो है रोशनी कर दिए। और उसके बाद मैं लग गई हूँ पकवान बनाने के लिए, नहीं जी पकवान तो क्या ही बना रही हूँ मैं, बना रही हूँ यहाँ पे, हाँ पकवान ही बोलेंगे वैसे तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल के वड़े, जो हमारे यहाँ पे दिवाली के पहले दिन बनते ही हैं, होली पे भी बनते हैं होली से पहले दिन, तो दाल के मैं वड़े बना रही हूँ। वैसे तो दिन में ही बना लेते हैं,
पर आज जो है दिन में सबने खाना थोड़ा सा लेट ही खाया था, तो किसी का भी बड़े खाने का मन नहीं था, खाना नहीं सॉरी नाश्ता सबने लेट किया था, तो किसी का भी दिन में जो है बड़े खाने का मन नहीं था। तो पतिदेव ने कहा था कि रात को बना लेना, और वैसे भी जो है पतिदेव को दिन में बहुत ज़्यादा वो बिजी रहते हैं, तो गर्म वो खा नहीं सकते। मैंने कहा भेजूंगी फिर वो ठंडे खाएंगे, तो मैंने कहा रात को जब घर आएंगे तो मैं गर्म गर्म बना दूंगी। तो यहाँ पे अब जो है दीपक जलाने के बाद और मैं लग गई हूँ बड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मोठ की दाल भिगो दी थी, छिलके वाली दाल के मैं बड़े बनाती हूँ, क्योंकि इसके बड़े जो है ना थोड़े से कुरकुरे बनते हैं, अगर धुली हुई दाल के बनाते हैं तो वो थोड़े से फिक्के फिक्के बनते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने मोठ की दाल को भिगो दिया था करीबन 1-1.5 घंटे पहले, मतलब मार्केट से आने के बाद मैंने बाद ही दाल को भिगोया था। तो दाल मैं पीस रही हूँ और थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे ताकि बड़े जो है ना थोड़े से कुरकुरे बने, और पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है वरना बड़े जो है फिर अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे दाल मैं पीस रही हूँ और साथ ही जो है मैंने क्या कर दिया है, हाँ इमली मैंने भिगो दी थी, तो साथ में इमली की चटनी भी बनाऊंगी, क्योंकि ये जो बड़े हैं ना वो इमली की चटनी के साथ अच्छे लगते हैं। तो इमली की सोठ अभी हालांकि मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी पर वो थोड़ी कम ही रह गई, मतलब वो ख़त्म ही हो गई। जब घर में वो बनाते हैं ना नमकीन मूढ़ी बनाते हैं, मुरमुरे जिसको बोल दो, तो उसमें भी वो चाट जो है ना डाल के और वो ख़त्म ही हो गई। तो फिर आज मैंने जो और ही बना ली है, क्योंकि जो काजी जो मैं बड़े बना रही हूँ वो गर्म चटनी मतलब गरम बड़ों के साथ भी चटनी खाएंगे, और उसके बाद जो बड़े बचेंगे उनसे दही बड़े बना लूँगी कल दीपावली के दिन। तो बड़े थोड़े से मैं ज़्यादा ही बनाऊँगी, मतलब अभी गरम खा लेंगे और कल वही बड़े जो है दही बड़े मैं उनसे बना लूँगी। तो मैंने चटनी भी बना के रख दी है और साथ के साथ ही जो है मैंने अभी किचन भी अपना क्लीन करके छोड़ दूँगी, क्योंकि दाल तो मैंने पीस ली है, चटनी भी मैंने बना दी है, पर खाने वाले अभी तक आए नहीं है, मतलब पतिदेव मार्केट से सॉरी शॉप से आए नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि जब वो आ जाएंगे तो मैं गरम गरम बना दूंगी। तो अभी सब लोग आ गए हैं, तो मैंने चढ़ा दिए कढ़ाई और यहाँ पे दाल में मैंने डाल दिए सारे मसाले, लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, नमक, गरम मसाला और कसूरी मेथी, बस यही सारी चीज़ें डाली है, क्योंकि लहसुन प्याज तो डालते नहीं है त्यौहार पे, हमारे यहाँ पे लहसुन प्याज मतलब काम में नहीं लेते हैं, तो लहसुन प्याज मैंने कुछ भी नहीं डाला है इसमें, सिंपल बड़े बनाऊँगी, बस गरम मसाला और कसूरी मेथी ऐड कर दी है। और आप लोगों को एक बात बताऊं, जो बात आप लोगों को सुनकर बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है, मतलब कल दिवाली है और कल 12 नवंबर को है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, और मुझे याद ही नहीं था कि मतलब त्यौहार के चक्कर में मैं यही भूल गई कि 12 नवंबर को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। मतलब आज सुबह में जो है पतिदेव ने मुझे याद दिलाया कि कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मुझे खुद को ये हुआ कि अरे मैं तो काम के चक्कर में मतलब इतनी त्यौहारों के चक्कर में घर को सजाने में मिठाइयाँ बनाने में, कुछ गुड्डू भी आ गई ना तो मैं उसमें भी थोड़ा सा बिजी हो गई, मतलब गुड्डू आ रही है तो वो एक्साइटमेंट ज़्यादा था, और इस चक्कर में मैं एनिवर्सरी भूल गई। फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा यार इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो गई कि मैं अपनी एनिवर्सरी भूल गई। इस सुबह पतिदेव ने याद दिलाया कि कल हमारी एनिवर्सरी है, तो आज जो है मैं उनके लिए भी कुछ शॉपिंग करके लेकर आई हूँ, मतलब मैं हस्बैंड के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और यहाँ पे सब के लिए मैंने पकौड़े बना दिए थे, रमेश भैया, आबिद भैया के लिए मैंने प्लेट लगा दी थी, क्योंकि मेरा बड़ा मन रहता है कि जो भी मैं बनाऊं ना सबको खिलाऊं। और उसके बाद मैंने भी जो है अपना पेट पूजा कर ली थी। आज तो पूरा दिन बाल खोलने का ही टाइम नहीं मिला, बंदे बंदे बाल ऐसे अजीब से हो गए हैं रसोई में काम करते करते। खैर अब जाके जो है मैं फ्री हुई हूँ, सबने खाना खा लिया है, मैंने भी खाना खा लिया, और रात के बज रहे हैं अभी 9:30 बज रहे हैं, और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ शॉपिंग जो दिन में हम लोग करके लेकर आए थे। तो ये है त्योहारों की लास्ट शॉपिंग, फटाफट दिखा देती हूँ, फिर मुझे लगानी है। एक हाथ के तो मैंने मेहंदी लगा ली थी, इस हाथ के मैं आज लगाऊंगी, क्योंकि पूजा इसी हाथ से करते हैं ना, सीधे हाथ से, तो इस हाथ के मैं आज लगाऊंगी मेहंदी। तो एक तो मैं ये लेकर आई हूँ डेकोरेशन के लिए, इस तरह की मुझे लेनी तो इस कलर की बंधनवार थी, पर बंधनवार इस कलर की मिल नहीं रही थी, तो फिर मैंने जो है ये लटकन ले ली। और बंधनवार वैसे भी है ना मेरा गेट खुलता है ना, तो वो बंधनवार लग नहीं पाएगी वहाँ पे, उस हिसाब से मतलब गेट लगा हुआ है, तो मैंने सोचा फिर साइडों में ना ये लगा देंगे। और एक मैं लेकर आई हूँ ये हुडी है पतिदेव के लिए, गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि 12 तारीख को कल दिवाली भी है और कल ही साथ ही जो है हमारी एनिवर्सरी भी है, तो ये हो जाएगा उनका एनिवर्सरी का गिफ्ट। तो ये मैं लेकर आई हूँ उनके लिए, कुछ इस तरह की है, बिल्कुल सिंपल सी है वैसे तो, यहाँ पे और ये दिया हुआ है, कलर सुंदर लगा, अच्छी लगी, तो
ये कल जो है मैं उनको गिफ्ट दे दूंगी। हो गया एनिवर्सरी का गिफ्ट। कराए थे ये बुलबुल के लिए। ये है गुड्डू का, ये कुछ इस तरह का है। इसमें जैकेट दी हुई है, एथेनिक वियर, ये कुछ इस तरह का है। तो गुड्डू के पास दो ऑप्शन हो गए, या तो जो लहंगा मैंने सिलेक्ट किया था वो पहन लेगी वो कल, या फिर ये वाला पहन लेगी। ये उसको अच्छा लगा तो ये वो लेकर आई है। थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान, इसमें एक तो ये रंगोली लेकर आई हूँ मैं इस तरह की। ये पैदल आए ना तो स्टोर लगी हुई थी, तब ले आई। ये बच्चे लेकर आए रंगोली बनाने के लिए, बुलबुल लेकर आई है। वो कह रही है, जिद कर ली उसने कि मैं रंगोली बनाऊंगी इस बार। ये इनसे वो रंगोली बनाएगी व्हीकल, बुलबुल और गुड्डू दोनों बनाएगी। गुड्डू तो फिर भी कम कर रही है, बुलबुल कह रही है कि उसको बनानी है। तो ये इस कलर के भी पैकेट जो है साथ में आए हैं। ये लेकर आई थी, ये बहुत सुंदर लग रहे थे मेरे को। ये वेलवेट में दिए हुए, आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ। बाकी ये वेलवेट पे बनाए हुए हैं शुभ लाभ, हाँ, और ये स्वास्तिक बने हुए हैं। तो ये मंदिर पे या बाहर गेट पे जो है ना चिपकाने के लिए। चलिए अब इसी के साथ करते हैं इस छोटी दिवाली ब्लॉग को यहीं पर एंड, और कल मिलूंगी आप लोगों से। और आप सभी को एडवांस में दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी, हाँ माता रानी, आदत पड़ेगी ना नवरात्रों में बोलने की माता रानी। तो जी माँ लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबको खुश रखे, और ये दिवाली सबके लिए मंगलमय हो। इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 70% लोग जो है ना बिना सब्सक्राइब किए हुए अभी तक और चैनल को देख रहे हैं। तो क्या ही लगता है यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है जी, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।